तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजमेर की ऐसी ऐतिहासिक तोप के बारे में जो अजमेर दरगाह ख्वाजा साहब से जुड़े कई प्रोग्रामों में दागी जाती है। जैसे कि रमज़ान में इफ्तार व सहरी के वक्त, ख्वाजा साहब के उर्स की छठी की शरीफ के वक्त, चांद रात के वक्त, जुम्मे की नमाज, ईद बकरीद की नमाज और भी इस तरह के कई प्रोग्रामों पर इस तोप से सलामी दी जाती है। और आपको बता दें कि लगभग साल भर में 290 तोपों की सलामी अजमेर शरीफ में दी जाती है। इस तोप के काम को अंजाम देने वाले लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि चाहे उनकी ज़िंदगी में अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो या हालात कुछ भी हो, वह इस काम को बाखूबी अंजाम देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि यह तोप की परंपरा मुग़ल सल्तनत अकबर बादशाह के ज़माने से चली आ रही है, जो आज भी इसी तरह बरकरार है। दरगाह ख्वाजा साहब की प्रबंध कमेटी द्वारा इस तोप के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। अजमेर शरीफ में बड़े पीर साहब की पहाड़ियों पर से इस तोप की सलामी दी जाती है। रमज़ान के मौक़ों पर रोज़ा इफ्तार की तोप दागी जाती है और सहरी चालू होने और ख़त्म होने के वक्त को इस तोप की आवाज़ के साथ परंपरागत निभाया जाता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि कई पीढ़ियां गुजर गई है इस तोप के कार्यक्रम को अंजाम देने में, जो कि आज के ज़माने में फौजिया खान नाम की एक लड़की इस तोप के कार्यक्रम को अंजाम देती आ रही हैं और साथ ही अपने भतीजों को इस तोप को भरने व चलाने का तरीका सिखाती है। इसके अलावा जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो फौजिया खान से कई तरीके की बातचीत हुई, जिसके बारे में आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इस तोप को किस तरीके से दागा जाता है, कहाँ से सिग्नल मिलता है, क्या क्या चीज़ें इस तोप में भरी जाती है, किस तरीके से इस तोप को बनाया जाता है, वो पूरी प्रोसेस हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो अजमेर में इस तोप से जुड़ी हुई हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे भी आपको ऐसी कई इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो से मिलती रहेंगी। हमें सपोर्ट करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फौजिया खान तोपची, मेरे वालिद का नाम मरहूम मोहम्मद अनीस तोपची, मेरे दादा बुद्धू शाह तोपची, मेरे दादा के वालिद कल्लू शाह तोपची। ये हमारी जो परंपरा चल रही है, 7 पीढ़ी गुजर चुकी है इस काम को करते करते, ये 8वीं पीढ़ी चल रही है। इससे मेरे दादा के वालिद करते थे कल्लू शाह, फिर मेरे दादा बुद्धू शाह ने किया, फिर मेरे वालिद मोहम्मद हनीफ, फिर उसके पास से मैं फौजिया खान तोपची, मेरे दोनों भाई खुर्शीद तोपची, रशीद तोपची, मेरे भतीजे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैंने ये तोप चलाना सीखा है 8 साल की उम्र से। मैं 8 साल की थी, छोटी थी, जब से मैंने इस काम को अंजाम देना चालू किया। पहले शुरू में एक बार चलाई मैंने तो थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ, फिर उसके बाद मुझे डर नहीं लगा। ये रमज़ान में चलती है सहरी जगाने की, फिर सहरी ख़त्म होने की, फिर शाम को रोज़ा खोलने की। अपने यहाँ की तोप चलती है, फिर पूरे अजमेर शहर में रोज़ा खोला जाता है। गरीब नवाज की सबसे बड़ी छठी आती है, छठी के दिन 6 तोपों की सलामी दी जाती है। वहाँ फ़खर की चादर जाती है, 25 तोपों की सलामी देती है। गरीब नवाज की खिदमत होती है, गरीब नवाज का जो उर्स आता है उसमें 25 तोपों की सलामी दी जाती है। छड़ी की जो छड़ी उर्स की चलती है उसमें 25 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके बाद विभिन्न जैसे 11वीं शरीफ होती है, उस पर की 6 चलाई जाती है। मतलब कुल मिला के 290 तोप दागी जाती है साल के अंदर। और ये तोप नहीं, मेजर लोडिंग धमाकड़ी है वो तोप बना रखी है। पहले तोप थी परदादाओं के टाइम पे पहियों वाली, बड़े बड़े पहिए थे, बहुत बड़ी सारी थी। उस वक्त आबादी नहीं थी तब वो चलती थी। अब जो है वो आबादी की वजह से उसको जमा कर दी गई है, उसकी जगह ये अपन को मेजर लोडिंग दबा के दी गई है। इतनी बड़ी 35 किलो की है ये, पहले अपने पास ही रहती थी। अब ये जब से माहौल ख़राब वगैरह हुआ ना, तो इस जब से ये थाने पर जमा होती है, साइन करके ही लाई जाती है, साइन करके ही ले जाई जाती है। सिर्फ रमज़ान में 1 महीने अपने पास रहती है ये, हर जुमे पर चलती है। हर जुमे पर 4 तोपों की सलामी दी जाती है नमाज के वक्त, चांद के ऊपर। किसी चांद में 5 चलती है, किसी चांद में 2 चलती है, किसी में 3 चलती है, किसी में 1 चलती है। ये अकबर बादशाह के टाइम से चला आ रहा है सिलसिला और अभी तक चल ही रहा है। हाँ, हमारे को यहाँ से कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें दरगाह कमेटी से 1500 रुपये बारूद सरफा दिया जाता है। मतलब कोई तनख्वाह वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब फीस सबिलिल्लाह जो बुज़ुर्ग करते आए ना खिदमत, वही अपन कर रहे हैं। बस गरीब नवाज सरकार ने नवाज रखा है, ऐसे सरकार नवाजते रहे और हम इस काम को अंजाम देते हैं। चीज़ें मिलाई जाती हैं इसमें, जो है शिकार वाली जो बारूद होती है ना,
वो मिलाई जाती है, 1.5 डब्बा बारूद डाला जाता है शिकार वाला। उसके बाद जो है पहले तो वो इस्तेमाल करते थे कागज़, तो वो डांट के उड़ के जाता था तो आग लगने का डर रहता था उस टाइम के दौरान। अब हम लगाते हैं कंडे, गोबर आता है ना सूखा हुआ, थापड़ी है वो आती है, उसको ठूका जाता है, बारूद डाल के उसको ठूका जाके 5 किलो हथेड़े से उसकी ठुकाई की जाती है। ठुकाई करके फिर उसको हवाई फार ऐसे ऊपर रखा जाता है, उसके कान रहता है यार छोटा सा छेद है, सुई से उसको होल किया जाके उसमें रंजक डाली जाती है। फिर जब से इशारा होता है ना वहाँ से, फिर उसको रंजक को लगाया जाता है अगरबत्ती दिखा के, तो फिर हवाई फायर होता है। अभी रोजे की जब तोप चलेगी ना, तो वहाँ से चपड़ासी छड़ी हिलाएगा, वो छड़ी का इशारा देगा, फिर यहाँ से तोप चलेगी। ऐसे ही छड़ी का इशारा जुमे पे दिया जाता था मोरसली के नीचे से दरगाह शरीफ में, मगर उस वक्त आबादी नहीं थी ना, तो वहाँ से वो तोप का इशारा देता था, पहली चल गई फिर दूसरी चल गई फिर तीसरी चल गई। मगर अब अपन भी समझने लग गए ना टाइमिंग के हिसाब से नमाज की, अपन चारों तोपें अंजाम देते सही तरीके से। आज तक कोई गलती नहीं हुई अपनी। ये तोप चलने से आस पड़ोस वालों किसी को नहीं, किसी के नहीं, आस पड़ोस वाले जितने भी हैं सब ने अपन को लिखत में दे रखा कि ये सरकार की खिदमत है, इसी से हमें कोई सौकार कोई नहीं। अगर हमारा कोई जानी माली नुकसान भी होता है तो हम जिम्मेदार हैं क्या, और अल्लाह के करम से आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं है।